वैसा तो मैं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग। सॉरी गलत चीज आ गई। ये है सैमसंग का M35 जो कि नया लॉन्च हुआ है मार्केट में। अब मैं करूँ इसके बारे में बातचीत और अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है और क्या फर्क किया सैमसंग ने और कैसा है ये धमाकेदार फोन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं इस फोन को। प्यारा सा बॉक्स है, कुछ नहीं है, सिंपल चीजें है। यहाँ ऊपर दिया गया है एक डिब्बा, डिब्बे में है डिब्बा, इसके अंदर देखते हैं हम क्या है। कोई बेसिक सी चीज़ें होगी, कुछ अलग से देते नहीं। इसमें है यूज़र मैनुअल, गाइड, पुस्तकें और Type-C to Type-C डाटा केबल। कवर दिया नहीं है, बढ़िया चीज़ है, रखते हैं इसको साइड में। ये है हमारा स्मार्टफोन, इसके डब्बे में भी कुछ नहीं है। पीछे डब्बे में लिखा है सिक्योर बाय Exynos एंड मेड इन इंडिया। तो इसको भी रखते हैं हम साइड में। अब देखते हैं फ़ोन की तरफ। ये मैं खोल रहा हूँ फ़ोन, ये है ग्रे कलर में, आप देख पा रहे हैं। इसमें अगर आप प्यास से पास में देखेंगे तो एक बॉक्सी बॉक्स बने हुए हैं, ऐसे चेक शर्ट टाइप फ़ोन है ये, और बॉक्सी बहुत ज़्यादा है फ़ोन अगर आप देखें तो। और एक और चीज़ इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर फ्रंट में अभी नहीं दिया गया है। साइड में आपको दिखती रहेगी स्पेसिफिकेशन, इतना मैं बताता हूँ इसका फिजिकल ओवरव्यू। ऊपर आपको मिलता है नॉइस कैंसिलेशन माइक, नीचे आपको इस साइड मिल रहे हैं वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन। यहीं है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे के टाइप आपको स्पीकर ग्रिल और एक माइक, साथ में Type-C पोर्ट। इस साइड आपको मिल रहा है तो सिम स्लॉट, देखते हैं कैसा है, हाइब्रिड है, डुअल सिम है, या इसमें आपको हाइब्रिड मिलेगा डुअल सिम, या आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। अब हम करते हैं इसको बूट अप और देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। बात करें इसके कैमरा की, कैमरा बहुत काफ़ी मतलब हद तक कहा गया कि अच्छा माना गया इसके कैमरे को, वो हम देखेंगे एक बार। अब बूट अप हो जाए, हमने कर दिया है इसको ऑन, तो हो रहा है ये ऑन, आ गया है वेलकम लिखा। मैं करता हूँ इसको बूट अप और फिर लेके आता हूँ आपके सभी के सामने। हो गया फ़ोन सेटअप। अब आप फ़ोन को देखिए, लुक इसकी बहुत प्यारी है, थोड़ा सा आपको मोटा लगेगा दिखने में, बाकी फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है लुक वाइज। एक इसके देखिए बेजल देखिए, आपको लगेगा कि थोड़ी ज़्यादा है ये, मगर ये कंट्रीब्यूट करके ऐसे बिल्कुल मतलब सारे साइड से एक सेम है जैसे। अगर मैं आपको यहीं एक दूसरा फ़ोन दिखाऊं, अगर आप देखिए इसकी आपको नीचे से थोड़ी सी ज़्यादा बेजल दिखेगी तो आपको ऐसा लगेगा दिखने में कि इसकी थोड़ी कम ज़्यादा है, मगर लगभग दोनों की सेम ही है। और ये थोड़ा साइज़ में भी आपको हल्का सा बड़ा लग सकता है, मगर साइज़ बिल्कुल सेम है इनमें, स्क्रीन साइज सेम है। डिस्प्ले का आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा क्योंकि ये सैमसंग है, आप सोच सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी में बेटर लगेगी। इसमें LCD स्क्रीन है, इसमें AMOLED स्क्रीन है, तो ये आपको फ़र्क मिल जाएगा। और साथ में 120Hz आपको दोनों मिलेगा, सॉरी इसमें सुपर AMOLED स्क्रीन है, उसमें LCD स्क्रीन मिलेगी आपको सिंपल। और बैटरी का कह सकते हैं उसमें 5 वोल्ट का ही फ़र्क है फास्ट चार्जिंग में, इसमें 25 वोल्ट है सपोर्ट, उसमें आपको मिलेगा सिर्फ 30 वोल्ट सपोर्ट, ये लगा सकते हैं थोड़ा 5 वोल्ट का फर्क आ गया। कैमरा सैंपल शॉट आपको लास्ट में दिखेगा। अब हम आते हैं साउंड की तरफ, साउंड क्वालिटी कैसी है इसकी, वो देखने की बहुत जरूरी है। साथ में मेरे को तो अभी तक यार फ़ोन बढ़िया लगा है, स्क्रीन वाइज भी क्वालिटी वाइज भी। स्क्रीन क्वालिटी बढ़िया है और लाउड भी है, जो मोटोरोला वाला फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे लाउड भी है। हाँ ये कह सकते हैं 5000 का फ़र्क है यार, कंपनी का भी थोड़ा बहुत, ये सैमसंग है और वो मोटोरोला, दोनों एक जगह से अपनी बड़ी कंपनी है, मगर इसके अंदर आपको थोड़े बहुत फीचर ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कैमरा थोड़ा इससे बेटर मिलेगा आपको। साथ में आपको इसके अंदर मिलेगा AMOLED स्क्रीन, नहीं सुपर AMOLED स्क्रीन, मतलब क्वालिटी एक नंबर स्क्रीन की जो कि सैमसंग प्रोवाइड करता है। बेजल्स आपको लग सकते हैं थोड़े ज़्यादा स्टार्टिंग में, मगर इससे तो कम ही लगेगा आपको थोड़े यूज़ करने में। और अगर बात करूँ मैं इसकी बैटरी बैकअप की, बैटरी बैकअप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है इस फ़ोन का इसके कंपैरिजन में। अगर ये दोनों फ़ोन देखें लुक वाइज भी थोड़ा बहुत ये अलग लग रहा है यार, थोड़ा इसे चेक सा डिज़ाइन बना दिया और थोड़ा मस्त सा कर दिया है देखिए फ़ोन। और ये है मोटोरोला का,
ये भी कह सकते हैं थोड़ा प्रीमियम लगता है लुक वाइज, मगर तो मोटोरोला के फोन में थोड़ी बहुत कॉल कनेक्टिविटी की आपको दिक्कत मिल सकती है, जो कि मेरे को इसमें भी थोड़ी बहुत फेस हुई, और नोटिफिकेशन भी कई बार नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो ये थोड़ा क्या पता सॉफ्टवेयर अपडेट से ये फिक्स कर ले। अगर ओवरऑल देखा जाए इन दोनों फोनों में कंपैरिजन करके, यार इसकी स्क्रीन क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। बेजल्स का मैं कह सकता हूँ कि थोड़े दिनों में मेरे को आदत हो जाएगी, मगर फ़ोन एक नंबर है ये, आप बिल्कुल जा सकते हैं। 20,000 के रेंज में आपको ये फ़ोन मिलेगा 6128 में, और बैटरी बैकअप भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया मिलने वाली है। और यार आप कहते हो यार फ़ोन है कवर होना जरूरी है, कवर आप ले सकते हैं हमारे नए पेज से, जो कि काफ़ी पुराना भी हो चुका है वैसे, मगर आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारे जो पेज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ जाके परचेज करें। ऐसे मस्त मस्त कवर देखिए, फुल्ली प्रोटेक्ट रह सकता है आपका फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके फ़ोन में। देखिए ऐसा ये पूरा मेटलिक कवर है, प्रीमियम कवर आपको मिलेंगे वो भी बहुत ही कम रेंज में। आपको अगर कवर चाहिए जाइए, बिल्कुल मतलब आग बंद करके जाइए, और क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी मिलेगी आपको। और जो कवर्स मिलने वाले हैं वो भी आप सोच सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको कहीं और मिलेंगे। दूसरी अगर चीज़ों की बात करें, हम दोबारा आ जाते हैं इस फोन की तरफ। इस फोन का भी कवर हम प्यारा सा लगाएंगे, एक सॉफ्ट सा सिलिकॉन कवर जो कि सैमसंग का आता है। बात करें अब आगे इस कैमरा सैम्पल शॉट्स की, तो वो आपको लास्ट में दिख जाएगी। बाकी इसमें गेमिंग वगैरह मैंने करके थोड़ी बहुत चेक करी अभी बीच में, तो गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, काफ़ी मतलब स्मूथ है। ये कह सकते हैं मोटोरोला में थोड़ा 1% मेरे को इससे बेटर लगा, कि मोटोरोला का थोड़ा क्लीन हुआ ऐसा है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा आपको बेटर लग सकता है मोटोरोला का एक्सपीरियंस। मगर जो क्वालिटी है गेम की, और जो आपकी गेम के जो स्मूथनेस है वो थोड़ी इसमें बेटर लगी, मगर थोड़ा बहुत हल्का बहुत लैग आपको इसमें दिख सकता है सैमसंग में। बाकी ओवरऑल ये फ़ोन बिल्कुल बेस्ट है, अगर आपको यूज़ करना है, आपको गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, आपको कैमरा के लिए चाहिए, और भी आप यूजर्स के लिए आपको कुछ चाहिए, तो सैमसंग बेटर है। अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस ही सबसे बेस्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं मोटोरोला के लिए, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा हेडफोन जैक। इसमें नहीं दिया, गलत किया यार, हेडफोन जैक देना मुझा जरूरत है, ये होना चाहिए इसमें दे रखा ना, हेडफोन जैक होना चाहिए। और साथ में इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलता है डॉल्बी एटमॉस की आवाज़, वैसे मेरे को लगा नहीं कुछ खास यूज है उसका, फ़र्क लगा नहीं। बाकी आपके ओपिनियंस है, आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा फ़ोन इन दोनों में से बेटर लगा। अगर आप चाह रहे हैं इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो, वो भी जल्दी आपको मिल जाएगी। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, फ्रेश होते हैं।